ये देखिए, तो मैं ट्रांसफार्मर के बारे में इसका बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो स्टैटिक डिवाइस है, ये स्थिर रखा हुआ रहता है। ये क्या होता है, इसका आपको क्वेश्चन आया कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब हम कह सकते हैं इसमें प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में यहाँ पे 11 किलो देखते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में हमको 450 वोल्ट मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक मतलब फ्लक्स उत्पन्न होता है। जो फ्लक्स उत्पन्न होता है ना, तो वो क्या करता है, जैसे हमने इसमें क्या किया, प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो प्राइमरी में क्या होता है, अधिक वाइंडिंग है, और जो सेकेंडरी में कम वाइंडिंग है। तो जो 11 मतलब 11,000 वोल्ट की सप्लाई को कम वाइंडिंग होने के कारण इधर में जो हमको 3 फेज में 450 वोल्ट निकाल के दे देता है। जी क्या अपना देखिए, आपको लिखेगा ये न्यूटन बताया अपना आर, ये आर बाय न्यूटन, ठीक है। ये अपने ये 3 फेस में आते हैं, 1, 2, 3 फेस और 1 न्यूटन, ये मतलब ये आपका हाँ रेड ब्लू येलो ऐसा, हाँ आर बाय बी, ठीक है, आर बाय बी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 फेस का है, और ये आपको इसका भी पूछा जाएगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग टाइम होती है, तो उसकी रेटिंग के वी में होती है, किलो वोल्ट पे एम्पियर है ना। तो लगाओ तो ना, क्या करता है, सॉस लेता है ना, जो बाहर की एटमॉस्फेयर है अपना एयर है वो अंदर जाती है, तो हम अंदर में ये ऑयल भरा हुआ, तो लेकिन बाहर में जो नमी रहती है उसमें एयर में, अगर वो चल जाएंगे तो उसकी डाइट इलेक्ट्रिक स्किन चल जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वही है ना, बिल्कुल। तो वो क्या करता है कि जो अपना एयर में जो नमी होती है उसको यह सोख लेता है, एयर में जितनी भी नमी रहती है उसको सोख लेता है, अंदर ड्राई एयर को ही अंदर जाने देगा। उससे क्या होगा, जो हमारा आयल का जो एफिशिएंसी है, जो स्ट्रेंथ है, वो बनी हुई रहेगी, क्योंकि सिलिका जेल का काम है कि जो अपने एयर वायु में जो नमी रहती है उसको सोखता है। ये सिलिका जेल इसमें यहाँ पर लगा कर रखते हैं, ठीक है। ये अपना कंट्रोल होता है सिलिका, और यहाँ से इसको ऑयल फिल किया जाता है, ठीक है। ये ऑयल चल जाएगा, ये अपना मेनटेन का, ये इसको बोल के रेडिएटर, मतलब क्या होता है, जब ऑयल ऊपर जब गर्म होता है ना, उबलता है, खोलता है, तो ऊपर में आता है, तो ये देखिए यहाँ से क्या होता है, ये ऊपर नीचे मतलब जब जाता है तो ये ड्राई हवा की से क्या होता है, कूल होते रहता है। अभी आप लोग अगर मतलब ये टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, कूल रहेगा तो अंदर का, हाँ अगर कूल नहीं रहेगा तो अपनी वाइंडिंग इतनी गर्म होगी, जल जाएगी, अपने ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगी। ये 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसा मैक्सिमम के मतलब काफ़ी है, छोटे का चलाओ 10 लाख दिख रहा है, बहुत महंगा इक्विपमेंट है, ये दिख रहा होगा आपको ऐसे ही रखा हुआ है, तो बहुत महंगा इक्विपमेंट है ना। हाँ क्या बोल रहे थे बताइए, कौन सा डालते हैं, मिनरल ऑयल होता है, सिंथेटिक ऑयल होता है, जिसको नेफा ऑयल बोलते हैं, या फिर इसको ट्रांसफार्मर ऑयल बोला जाता है, जो इसमें डाला जाता है। और हाँ पानी वाइन डालना, मतलब पता चला कि पानी ला के पानी डाल दिया आपने ना, तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, है ना। लाखों की कीमतों में ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। और इसमें आपको ये डाइफ्राम है, जैसे कभी इसमें अधिक अंदर में एयर बन गई, मतलब ये हो जाती है, यहाँ से रिलीज कर देता है, फट जाएगा, है ना, कभी ज़्यादा एकदम गर्म हो जाएगा। ये अपना 11 के लिए HP साइड है, हाई टेंशन साइड है, और इधर अपना लो टेंशन साइड, लो टेंशन मतलब LP साइड, ठीक है, जिसके हमारे घरों में सप्लाई आती है, और ये 11 के लिए साइड है। ये बेसिक आपको इतना पता रहा कि आपको ये पूछा जाएगा कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत कार्य करता है, इसका काम क्या है, वोल्टेज का स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करता है, वो भी बिना फ्रिक्वेंसी और पावर को परिवर्तित किए। फ्रिक्वेंसी अपने 50 हर्ट्ज़ है, प्राइमरी में 50 हर्ट्ज़ है, तो अपने सेकेंडरी में 50 हर्ट्ज़ ही मिलेगी, पावर को भी यह चेंज नहीं करता, ठीक है। तो आज की लेता रहेगा फैराडे, है ना, और इसकी रेटिंग केवी में होती है, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बेसिक तक होता है ना।